बेसिकली आज नाइन्थ क्लास का स्टार्ट करना है, तो इसमें सारे सज्जन को फायदा होगा, क्योंकि मैं अभी बता दूं कि आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। तो एनसीईआरटी पहले लाइन बाय लाइन आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी के बाद अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्टर आरडी शर्मा भी लाइन बाय लाइन बनवाया जाएगा। आपको मैं आरडी शर्मा के बारे में मैं बता दूं ना कि इनकी खासियत है कि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी किए हैं, दिए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए हैं। आरएस अग्रवाल आपकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट इतना बढ़िया क्लियर कर दूंगा कि आपसे बन जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो आप नाइन्थ क्लास में हैं। देखिए नाइन्थ यहाँ है, यानी इससे आपको पहले फाइव पढ़ने थे, सिक्स पढ़ने थे, सेवन पढ़ने थे, आपने एट पढ़े होंगे, तब तो नाइन्थ में गए होंगे। पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम कहें तो सबसे छोटी नंबर जो होता है, जो फाइव और सिक्स में पढ़ाया जाता है, यानी फाइव क्लास में नेचुरल नंबर पढ़ना है, सिक्स क्लास में होल नंबर पढ़ना है, सेवन क्लास में इंटीजर्स नंबर पढ़ना है, जिसे हम जेहलीन साहब की अगर हम बात करें तो जेहलीन नंबर पढ़ना है, और एट क्लास में रेशनल नंबर पढ़ना है, और यहां पर जो नाइन्थ क्लास है यह रेशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी पढ़ना है। यह नाइन्थ क्लास का हमारा सिलेबस हो गया। यानी सबसे पहले हम अगर नेचुरल नंबर की हम बात करें, तो चूंकि आपको मैं प्रॉमिस किया हूं कि एनसीईआरटी आरडी शर्मा ये दोनों मुख्य रूप से बनाया जाएगा, आईडी अगर हम एमएल अग्रवाल की भी बात करें तो उनकी बुक भी बनाया जा सकता है, ममता भत्रा की बुक बनाया जा सकता है, लेकिन बाकी ऑथर का बुक आपको अपने से बन जाएगा, यहां तक कि आरडी शर्मा का भी बुक अपने से बन जाएगा। अब कैसे बनेगा इसकी हम बात में अब हम चर्चा करते हैं। यानी पहला नेचुरल नंबर सीखना है, तो काउंटिंग का जो भी नंबर है वह नेचुरल नंबर है, पिक्टो डायग्राम में इसे ऐसे देखते हैं, यानी यहां पर इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब दूसरा जो नंबर है वो है होल नंबर, ये आपका होल नंबर है, यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होल नंबर है। उसके बाद तुम्हारा जो नंबर है या इंटीजर्स है, मीन्स यहां डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4। इसके बाद आपका रेशनल है और फिर इरेशनल है, यहां पर जेहलेन नंबर भी कहा जाता है, ये रेशनल नंबर हुआ और उसके बाद इरेशनल नंबर भी हुआ। यही चर्चा आपको नाइन्थ क्लास में पहला क्लास में करना है। नंबर सिस्टम तो आपने देख लिया है, यहां पर पहला प्रश्न ये होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, चूंकि एक क्लास लाइव वाले का ही यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर आपको सीखना होगा, तो रेशनल नंबर जैसे ही आप सीख जाएंगे,
चूंकि हमारे आर एस अग्रवाल की बुक मैंने इसलिए नहीं कहा कि आर एस अग्रवाल साहब वहां पर थोड़ा सा मतलब वो जो बेहतरीन ढंग से होना चाहिए था, तो अब दो के बीच में हम रेशनल नंबर पहले सीखे। पहले तो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है और पी और क्यू इंटीजर्स होता है। यहां पर ये कंसेप्चुअल बात है। आप देखे होंगे या स्कूल में भी आपकी गलतियां हो सकता है। तो अगर ए और बी के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, यानी दोनों रेशनल है, यहां भी रेशनल है और यहां पर भी रेशनल है, तो आपको लाइक और अनलाइक जानना है। तो यहां पर अगर 5 है और यहां पर 12 है तो इसके बीच में बताइए 6 है कि नहीं। यहां 7 है, यहां 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, बोलो है या नहीं है। अब यहां पर तुम्हारे पास कैसे ये बात तो तुम समझ गया कि दो के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहता यहां पर 2/7 और यहां पर रहता 5/7, अब इसके बीच में आपको निकालना है, राइट? तो ऐसे यहां पर देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा बताइए, 3/7, यहां पर 4/7 होगा, लेकिन ये 2 है, क्या है, और आपको 4 निकालना है। क्या निकालना है? 4 निकालना है। तो आप 4 कैसे निकालेंगे सोचिए। तो 4 निकालने के लिए पिजन होल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जितना निकालना रहेगा जितना उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करें, एक चूंकि पिजन होल थ्योरम, तो 4 × 2 = 8, यानी एक ज्यादा से, तो यहां 10/70 हो गया, बोलो, और यहां पर 5/25 = 25/70। अब भूख वाला क्या करते हैं ना कि लॉजिक नहीं बताते, यानी उसका इंटरवल सेम नहीं होता है, और बोलते हैं 10/70 से 25/70 तक कुछ भी लिख दीजिए, यानी 11/70, 12/70, 13/70। आपका ऐसा नहीं, उसके बीच में 4 रेशनल नंबर है, लेकिन आपने बराबर बराबर इंटरवल में नहीं बांटा, यह बात की दुख है। तो आप कैसे बांटेंगे, ध्यान दीजिए, 2 से 5 जाने के लिए कितना लगा, 3, कितना लगा, यानी आप 3-3 डेग भरेंगे, कितना डेग भरेंगे, यहां पर एक एक डेग वाला लोग का कंसेप्ट इसलिए है कि यहां पर जीरो के बीच में डिफरेंस 1 का था, कितना का था, तो यहां पर आपका यहां सही होना चाहिए कितना, 13/70, यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, अब देखिए 4 एक्यूरेट है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को देखें और आप समझिए कि हम क्या कॉन्सेप्चुअल सिखाते हैं। तो यहां पर क्या सिखाना है यह जानना आपको जरूरी है। करने आ गया सब लोग को कि नहीं आया? अब देखो यहां पर अगर 2/3 होता ना, बोलो, ठीक है, 2/3 है, यहां 8/9 है, 8/ क्या है, 9। अब इसमें 5 निकालना है, क्या सोचेंगे,
तो सज्जन जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? सुजय राज जी, सुजय राज आवाज आ रही है? तो यहां पर हम बात करेंगे, तो पहले दोनों को लाइक करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? तो लाइक करने के लिए देखो 39 का एलसीएम 9 हो गया, यानी यहां पर 9 पूरा करने के लिए 6/9 बोलो, और यहां 8/9, यस या नो? कितना निकालना था? 5। कितना निकालना था? यहां पर 5 निकालना था। तो मल्टीप्लाई कितना से होगा, जल्दी बता दो? 6 से। कितना से होगा? तो यहां पर 36, यहां 54 बोलो, यहां पर 48, यहां पर 54 बोलो, यस या नो? कितना निकालना है जल्दी बताओ? 5। और यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 2, यानी दो दो स्टेप बढ़ेगा। कितना स्टेप बढ़ेगा? तो यहां पर हो जाएगा 38/54। अगला क्या हो जाएगा? 40/54, 42/54 और 44/54 और 46/54 बोलो, यस या नो? तो यहां 1, 2, 3, 4, 5 एक्यूरेट निकला कि नहीं निकला? तो आज 9th की समय समाप्त हो गया, हम लोग अब 10th क्लास में मिलेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, सुजय को रहने दो भी।